हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रिसेंटली मैं राजस्थान गई थी एंड बीकानेर एंड सैम ड्यून का व्लॉग मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और अब जैसलमेर का व्लॉग है। जैसलमेर फेमस है गोल्डन सिटी के नाम से। यहाँ आपको सिर्फ गोल्डन कलर की ही बिल्डिंग्स मिलेगी और कोई और कलर की नहीं मिलेगी। ये प्लेस है फेमस रेगिस्तान के लिए, कल्चर के लिए और इतिहास के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जैसलमेर फोर्ट, इट्स वन ऑफ द लिविंग फोर्ट जहां लोग आज भी रह रहे हैं। लगभग 4000 लोग यहां आज भी बसे हुए हैं और कहते हैं कि 50-60 होटल्स भी इसके अंदर हैं। राजस्थान में अगर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो सिर्फ जैसलमेर में ही आते हैं। फोर्ट में एंटर करते ही आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा एंड आप बाय भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पर। हमने यहाँ गाइड किया था ताकि हमें क्लियरली समझ आ सके यहाँ की हिस्ट्री। पुराना किला है, इससे पुराना है चित्तौड़ का, वो 1150 ईयर ओल्ड है। ये किला 867 ईयर ओल्ड है। ये किला कृष्ण भगवान के वंशजों का, यादवों का किला। ये इसका निर्माण हुआ था 12 जुलाई 1156 को, 7 साल में किला बन गया था। सीमेंट, चूना, पानी कुछ भी नहीं लगा इसमें। देख सकते हो, एक के ऊपर एक पत्थर ऐसे फंसा दिए गए, और क्योंकि पानी नहीं था तो इसको बनाने के लिए इतना सीमेंट चूने के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी, इसलिए सूखा चिनाई है। और देखो ये गोल गोल दिख रहा है ना, इसको बुर्ज कहा जाता है। 99 बुर्ज हैं, इसमें सैनिक रहते थे, हर बुर्ज के ऊपर 5 सैनिक। लकड़ी का तोरण, हमारे महाराजा का शादी हुआ ना नेपाल की राजकुमारी से 1995 में, तो हमारी जो महारानी आई थी यही वेलकम हुआ था, तो उस समय का वो तोरण लगा हुआ है आज भी। लेफ्ट में जो बिल्डिंग है वहाँ राजा रहते थे एंड राइट वाली बिल्डिंग में रानी थी। जगह पर रानियों ने दासियों से कहकर अग्नि जलाई, खट्टा सोच कर। कहाँ पे ये मटकी रखी है ना इस जगह? हाँ हाँ हाँ। और रानियाँ सीढ़ियों से उतर के एक एक करके इसमें जंप कर गई। पहले हाथ का निशान लगाती थी दीवार पे, चबूतरा छोटा सा, यहाँ कलर रखते थे। इस फोर्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे टेंपल्स भी दिखेंगे। इस फोर्ट में मैंने एक अलग चीज़ देखी, यहाँ पर लोग इनविटेशन अपने घर के बाहर ऐसे लगाते थे तो लोग अपने आप ही शादी में आते थे ये देखकर। फोर्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ भी मिल जाएंगे, आप आराम से व्यू इंजॉय करके वहाँ खा सकते हैं। जैसलमेर स्टोन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस शॉप का नाम है लाइट ऑफ द ईस्ट एंड आप जब भी जैसलमेर आए यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, ये लोग काफ़ी फेमस है। इनका नंबर मैं यहाँ पर डाल दूँगी इन केस अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना हो। पटवो की हवेली एंड ये बिल्कुल साथ ही है जैसलमेर फोर्ट के। इस हवेली को बनाने वाले थे गुमान चंद पाटवा। इसको पटवो की हवेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 हवेलियाँ मिलके ये बना है। ये हवेली 5 भाइयों की थी। तो आप जब भी जैसलमेर आए पटवो की हवेली ज़रूर आना। गाडीसर लेक, इस झील का निर्माण राजा रावल जैसल ने करवाया था। ये एक मैनमेड वाटर रिजर्वायर है और कहा जाता है कि पहले सिर्फ यही एकमात्र सहारा होता था वाटर का जैसलमेर में। यहाँ पर सनराइज़ और सनसेट बहुत सुंदर लगता है। कहा जाता है यहाँ पर लोग पिकनिक बनाने भी आते हैं क्योंकि यहाँ की सराउंडिंग्स बहुत सुंदर है। ये है गाडीसर का फेमस फाउंटेन शो जो कि बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। वॉर म्यूज़ियम, वॉर म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड 10 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ जैसलमेर ऑन द जैसलमेर जोधपुर हाईवे। यहाँ पर कैंटीन की भी फैसिलिटी है, सो इनकेस अगर आपको भूख लगी है तो यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पर वॉर से रिलेटेड सब कुछ डिस्प्ले किया हुआ है, चाहे इक्विपमेंट्स हो या फिर उनकी क्लोदिंग हो या फिर सब कुछ उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है।
हमारे लिए सदा ही सर्वोपरि है, लेकिन हमारे सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में शामिल होकर दुनिया के साथ अलग अलग। यहाँ पर आप जरूर विजिट करिए और यहाँ पर आर्मी के बारे में बहुत कुछ बताया है। ये गाड़ी सर लेकर रात का व्यू है। यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप बाय कर सकते हैं यहाँ पर। ये कैफ़े बहुत सुंदर लग रहा था, तो हमने सोचा यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इस प्लेस का नाम है फर्स्ट गेट और ये जैसलमेर फोर्ट के बिल्कुल सामने है। यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया है ज़्यादातर फॉरनर्स ही आते हैं इस कैफ़े में, एंड इस कैफ़े से जैसलमेर फोर्ट का व्यू बहुत बहुत सुंदर है। आप जब भी यहाँ आइए ज़रूर विज़िट कीजिए यहाँ पर, और आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी क्योंकि इससे पूरा व्यू कवर होता है। यहाँ का फूड बहुत ही क्लीन और बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर विज़िट करना यहाँ पर। ये कैफ़े जो है ये गाड़ीसर लेक में है और यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है। यहाँ हमने सनसेट देखा जो कि बहुत बहुत सुंदर था। तो ये सारा एक्सपीरियंस था मेरा जैसलमेर का। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।